एलोन मस्क वेयरिंग अ टी शर्ट रिटन आई हेट ट्विटर। ये टूल बहुत ही कमाल का है क्योंकि ये मिड जर्नी की तरह सिर्फ फोटो जनरेट नहीं करता बल्कि आपके लिए टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। मिड जर्नी एंड ऐसे ही बाकी टूल इमेजेस तो काफी अच्छी बना लेते हैं लेकिन टेक्स्ट को नहीं समझ पाते, बट दिस टूल कैन क्रिएट पोस्टर्स, लोगोस एंड इवन टेक्स्ट बैनर्स फॉर यू। एंड फन फैक्ट, ये टूल बिल्कुल फ्री है, तो जाओ इसको अभी ट्राई करो एंड अपने लिए पोस्टर्स, लोगोस एंड बैनर्स वगैरह सब बनाओ फ्री में। इंस्टाग्राम पर ये नया ट्रेंड बवाल मचा रहा है। अपने आसपास की कोई भी नॉर्मल सी फोटो क्लिक करो और इसको ऐसे AI सीन में ट्रांसफॉर्म कर दो। लुक एट दिस, कितना गजब है ना। ये सब आप फ्री में कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से यूजिंग अ फ्री ऐप। मैंने इसमें अपनी एक खुद की फोटो भी अपलोड की एंड ऐसे एनिमे वाला सीन बन के आ गया। आपको सिंपली फोटो लीव ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करना है, फिर यहाँ से AI सीन्स में आके आपको कोई भी सीन सिलेक्ट कर लेना है एंड बूम, आपकी फोटो इजीली ऐसे AI सीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ AI एंड रियलिटी। इस AI टूल का यूज करके लोगों ने पूरी शॉर्ट फिल्म तक बना ली है। जैसे मिड जर्नी में हम टेक्स्ट के थ्रू एक फोटो जनरेट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आप टेक्स्ट के थ्रू एक वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। पीका लैब एक ऐसा AI टूल है जहां पर आप टेक्स्ट डाल के कोई भी वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक 24 FPS। जैसे मैंने यहां पर लिखा /create 2 cats fighting on a top of mountain एंड मुझे AI के थ्रू इतनी रियलिस्टिक वीडियो मिल गई। दिस टूल इज इनसेन एंड बिल्कुल फ्री है अभी तक, तो जाओ इसको ट्राई करो। एक जॉब के लिए अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया एंड सबके पास सेम ही स्किल्स हैं तो फिर एक बेहतरीन रिज्यूमे ही डिसाइड करेगा कि वो जॉब किसको मिलेगी। एंड ऐसे कमाल के ब्यूटीफुल रिज्यूमे आप फ्री में बना सकते हैं यूजिंग दिस AI टूल। यहाँ पे आपको जस्ट कुछ बेसिक डिटेल्स को डालना है एंड AI टेम्पलेट के जरिए आपके लिए परफेक्ट रिज्यूमे बनाकर देगा, जिससे आपके जॉब लगने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे।